पड़ोसी देशों के लगातार चलते आ रहे तनाव के चलते काफी समय से भारत अपने रक्षा बेड़ी में नए नए हथियारों को जमा करता आ रहा है। इसी कड़ी में हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत में ही एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो किसी भी तरह से अमेरिका के सबसे खतरनाक ड्रोन प्रेडिएटर से कम नहीं है। आपको बता दें कि प्रेडिएटर को इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू ड्रोन माना जाता है। पिछले साल DRDO के वैज्ञानिकों ने देश के सबसे बड़े मानव रहित लड़ाकू ड्रोन रुस्तम-2 का परीक्षण पूरा किया था। DRDO के बनाए गए इस ड्रोन का परीक्षण कर्नाटक के बैंगलोर से 250 किलोमीटर दूरी पर चित्रदुर्गा में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया गया था, जो मानव रहित यानों और मानव विमानों के परीक्षण के लिए नवविकसित उड़ान परीक्षण स्थल है। रुस्तम-2 मध्य ऊंचाई पर लंबी अवधि तक उड़ान भरने में सक्षम मानव रहित विमान है। 2 टन वजनी इस ड्रोन की कई खासियत है। इसके डैने लगभग 21 मीटर लंबे हैं। ये 24 घंटे उड़ान भरने में सक्षम है और देश के सशस्त्र बलों के लिए टोही मिशन का काम करता है। ये ड्रोन टोही और निगरानी क्षमता के साथ साथ लक्ष्य पर सटीक मार करने में भी सक्षम है और इसकी रेंज करीब 250 किलोमीटर है। सिंथेटिक अपर्चर रडार की कैपेबिलिटी के साथ ये बादलों के पार भी देख सकता है। इतना ही नहीं, 30,000 फीट पर भी आसानी से ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, यानी दुश्मन चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो वो रुस्तम की नजरों से नहीं बच पाएगा। 500 किलोमीटर की तूफानी रफ्तार के साथ उड़ते हुए दुश्मन के रडार की पकड़ में भी नहीं आता है। इस मानव रहित यान को अमेरिका के प्रीडिएटर ड्रोन की भांति मानव रहित लड़ाकू यान के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। रुस्तम-2 का डिजाइन और विकास DRDO की बेंगलुरु की प्रयोगशाला एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और HELBEL ने मिलकर किया है। टीम इंडिलिंक्स।